अच्छा पहले की तुलना में पहले तो बहुत ज्यादा था, जब उद्घाटन हुआ था उससे धीरे धीरे डाउन पड़ता रहा। उद्घाटन भी तो कम पड़ जाता रहा होगा। अरे दो तीन बार बनाते, दो तीन बार बनाना पड़ता था, एक बार बनाते वही चल जाता है। हाँ लेकिन तब भी भक्त आते कि बिजनेस कैसा चल रहा है इस समय। बिजनेस के मामले में अगर कहा जाए तो इस टाइम पे थोड़ा धीमा है। हाँ धीमा है, काफी अच्छा उत्साह से हो रहा है, अनुभव रहा है, अनुभव रहा। हाय गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग आए हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्रांगण के ठीक गेट के सामने और आज यहां से हम लोग ब्लॉग स्टार्ट करेंगे और आपको आज का रिएक्शन दिखाने वाले हैं। यहां पर देखते हैं कैसा क्या रिएक्शन लोगों का रहता है। इस समय बारिश का मौसम है, राम भक्तों की संख्या भी काफ़ी कम हो रही है लगातार, वो तो मैं दिखाता रहता हूँ शॉर्ट टाइप में आपको बताता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और पूरा डिटेल में बताऊंगा, आप लोग वीडियो पे बने रहिए। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ की जो मंदिर प्रांगण के प्रमुख गेट का डिज़ाइन है वो काफ़ी सुंदर और काफ़ी बेहतरीन है और इसी प्रकार से जो आकृति बनाई गई है प्रभु श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्रांगण के सामने भी बनाई गई। आप देख रहे हैं यहाँ की जो डिज़ाइन है ये सब नेचुरल है, हाथों के द्वारा बनाया गया है और इसे छूने में काफ़ी वैसा फीलिंग आ रहा है। आप देख रहे हैं ना ये सब एक एक अंगूल के पूरे गड्ढे हैं और इसको हाथों से बनाया गया, एक भी प्रकार से इसमें मशीन का उपयोग नहीं किया गया और ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी ऊपर है। ये 3 मंजिले का बनाया गया है, आप देख रहे होंगे यहाँ भी काफ़ी ज़बरदस्त है और पूरा एकदम हाथों से, इसमें कहीं भी मशीनों का उपयोग नहीं किया गया। ये अपने भारत की संस्कृति और कलाकृति को दिखा रहा है, दर्शा रहा है। इसमें आप जिस साइड को भी देख सकते हैं और दूसरे साइड को, मतलब ये सब पूरा देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। अगर इसकी लागत के बारे में बात करें तो करीब इसमें 32 करोड़ रुपए यहाँ पर लगा है और उस गेट के निर्माण में आप देख रहे हैं ना 3 तल का बना हुआ है। ऐसे प्रभु श्री राम जी का जो गर्भगृह का जो ऊपरी छत है वो बना हुआ है और कुछ लोग कह रहे थे प्रभु श्री राम जी का जो गर्भगृह टपक रहा है, तो उसके बारे में यदि हम आपको बता दें तो आप देख रहे हैं ना गर्भगृह का जो 3rd तल का कार्य है जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा वो प्रभु श्री राम जी के 3rd फ्लोर का कार्य नहीं हुआ है, इसलिए वहां पर पन्नी लगाई गई है जिसके कारण से 2rd तल और 3rd तल, तो अब 1st तल जब लास्ट वाले पे नहीं लगाई गया है तो दो पहला और दूसरा दोनों में बारिश तो होगा और बारिश का पानी जो है वो अंदर तो जाएगा ही, कितना भी रोका जाए ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु श्री राम जी के मंदिर प्रांगण का जो निर्माण कार्य 3rd तल का चल रहा है, वह तल का जब कार्य पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको इसका कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ भाग जो भाग दिखाई देगा हाँ, फिर उसमें जो बारिश होगी, बारिश का पानी जो आएगा वह पानी तब रुकेगा। ऐसे मतलब जो यहाँ के जाँच करता है उनके द्वारा जाँच करके यह चीज़ें बताई गई है जो कि हमें भी जानकारी मिला है। तो गाइज जैसे हमको भी जानकारी, वही सेम जानकारी हमको भी मिली है कि मतलब मंदिर प्रांगण का जो छत है वो नहीं टपक रहा, बल्कि छत पे जो 3rd तल का कार्य है वह अभी नहीं हुआ है। तो 1st फ्लोर का कार्य हुआ, फिर 2nd साइड 2nd फ्लोर का कार्य हुआ और जब 3rd फ्लोर का कार्य होगा और उसका छत नहीं पड़ा रहेगा तो बारिश तो जाहिर सी बात है कि ऊपर वो बारिश होगी तो नीचे आएगा। और आप मौसम देख सकते हैं इस समय भी ख़राब है और प्रभु श्री राम जी के भक्तों की संख्या मैं दिखा रहा हूँ आपको लगातार कम होती जा रही है, आप देख रहे हैं पीछे तो। और यहाँ पे जो आप पीछे देख रहे हैं डिज़ाइन, ठीक इसी प्रकार से डिज़ाइन आपको प्रभु श्री राम जी के जो मंदिर प्रांगण का जो डिज़ाइन है वो ठीक इसी प्रकार से आपको मिलेगा, इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी अंतर नहीं मिलेगा। और ख़ास बात यह है कि प्रभु श्री राम जी के जो मंदिर प्रांगण में जैसे जो बनाया गया डिज़ाइन, उन सभी डिज़ाइन को हाथों से बनाया गया है और आप देख रहे हैं ये प्रभु श्री राम जी के मंदिर प्रांगण में जाने का रास्ता है जबकि दूसरे तरफ से आने का रास्ता है, तो यह काफ़ी है। और लोगों के सुरक्षा के लिए, मतलब बारिश हो तो भीगे ना, इसके लिए काफ़ी व्यवस्था किया गया। आप देख रहे हैं ना ऊपर पॉलीथीन लगाई गई है और ये काफ़ी अच्छी बात है, लगाई गई, अच्छा होना चाहिए, लगना भी चाहिए। कि बिजनेस कैसा चल रहा है इस समय। बिजनेस के मामले में अगर कहा जाए तो इस टाइम पे थोड़ा धीमा है। हाँ धीमा है, काफ़ी अच्छा उत्साह से हो रहा है, अनुभव रहा है, अनुभव रहा है काफ़ी अच्छा। 22 तारीख को जब उद्घाटन हुआ था जी जी, तो उद्घाटन के बाद तुरंत बाद 28 तारीख को हम यहाँ पहुँचे थे। हाँ जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि यहाँ काफ़ी चीज़ें अस्त व्यस्त हो, मतलब इस तरह से कहा जाए कि पब्लिक इतनी थी कि मेरा समझ में नहीं आ रहा था, इतनी पब्लिक हो गई, बहुत सारी पब्लिक। तो सामान वामान लेने में तो आपको देने में दिक्कत होती होगी। हाँ, दिक्कत तो होती है लेकिन ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा हमने एक चीज देखा है कि मतलब जो आपके यहाँ जो पंजाबी होते हैं उन्हें कभी हमने भीख मांगते हुए नहीं देखा, ऐसा क्यों? अब ये देखो हमारे गुरुओं में और हमारे उसमें पहले से ही शुरू से ये दिखाया गया है कि मेहनत का और कर्म पे ही विश्वास रखा जाए और कर्म ही प्रधान है और जो कर्म करेगा और वो ही वो करेगा और सक्षम है कर्म करने में इंसान। तो गुरुओं की हमारी शिक्षा है गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक जो हमारे गुरु रहे हैं,
इष्ट रहे हैं, आदेश था कि कर्म करना है, भीख नहीं। हमने एक देखा सरदार जी को, हाँ। उनके पैर नहीं है, हाँ। और फिर भी वो चलाते हैं और अगरबत्ती बेचते हैं, हमारे यहीं पे काफी सारी अगरबत्तियां बेचते हैं। ये चीजें शुरू से चली आ रही हैं और ये हमारे धर्म में है कि भीख मांगने का कोई वो नहीं, जब तक इंसान है करे और कर्म करता रहना चाहिए, करता रहे, कर्म भी अच्छे करे, लेकिन ये बुरे करे। ये बताइए, कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि पब्लिक कहती है कि राम भक्त के यहाँ सामान ना लो, अयोध्या वालों के यहाँ सामान ना लो, ऐसा क्यों? ये गलत धारणा है सर अयोध्या वालों की। ऐसा देखिए एक गलत मैसेज जा रहा है लोगों पे कि अयोध्या से ऐसा वाली बात जो कि क्या कहते हैं राजनीतिक, ये राजनीतिक अलग है, राजनीति अलग है। जी बिल्कुल, राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। और ये राजनीति जिस टाइम अगर धर्म में जुड़ेगी तो इसमें कोई ठीक नहीं। हाँ, धर्म के साथ जोड़ना, धर्म बचेगा ही नहीं, वही धर्म, हाँ। वही धर्म यही रहेगा, तो इसलिए जो है धर्म के बीच में राजनीति को ना लाया जाए और धर्म को राजनीति से अलग किया जाए, व्यापार भी अलग किया जाए। और जो भक्त आते हैं, हम सोचते हैं कि प्रभु हमारा यही मैसेज है, काफी सारे मीडिया पे हमने देखा है, तो हमारा ये मैसेज है लोगों से कि हम पब्लिक से जाके बात करेंगे और उनको, उन लोगों को जागरूक करेंगे कि भाई भक्त तो आप लोग दुकानदारों से क्यों नफरत है, आखिर दुकानदार ने आपका क्या लिया रखा है, यहाँ क्या है, नहीं कुछ है, बाहर से और सब बाहर से आए हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि जो लोकल के उनसे नफरत करो, नफरत लोकल ना बाहर से करो ना लोकल से करो, किसी से मत करो, बहुत गलत चीज है ये, अपना भाईचारा बना के रखना, भाईचारा बना रहे, अभी बना रहा है, आगे भी बनता रहेगा, और नफरत किसी से ना की जाए। और हाँ, जो आज हारे हैं कल जीते हैं, जी राजनीति में होता रहता है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र सभी को स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है, मताधिकार है, और उसमें कोई वो नहीं करना होना चाहिए। बाकी जो व्यापारिक रूप से अगर किसी के साथ भेदभाव होता है कि अगर बाहरी हैं यहाँ के हैं, तो वो भी गलत है, सब आपस में भाईचारे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि हमने ये कभी देखा नहीं है आज तक, हम जहाँ 28 तारीख से यहाँ है, मुझे 7 महीना यहाँ हो चुका है, जी जी, और काफी बिजनेस के मामले में अगर बिजनेस के रूप से देखा जाए तो बिजनेस को काफी डाउन चल रहा है, कम है, क्योंकि बिजनेस तभी है जब यहाँ यात्री आएगा बाहर से, यात्रियों का आना आवागमन चलता रहेगा तो तभी बिजनेस भी चलता रहेगा, और यात्रियों का आना बहुत जरूरी है। मैं यात्रियों से विशेष अनुरोध करता हूँ, तो वो भाई साहब उधर कह रहे थे कि 40% भक्त अभी बच्चे हैं, बाकी सब आ चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं, ये आंकड़ा देना बहुत गलत है, ये आंकड़ा देना इस तरह से आंकड़ा देखिए, आंकड़ा उसी का माना जा सकता है जो आंकड़ा रखे, और आंकड़ा इस टाइम पे रखे हैं हमारे राम जन्मभूमि के जो ट्रस्ट वाले हैं, जी जी, वो आंकड़ा आपको सही आंकड़ा देंगे, बाकी बाहरी लोग जो हैं उनका आंकड़ा मतलब सही पूर्ण रूप से गलत भी नहीं कह सकते, लेकिन एक वो अनुमानित आंकड़ा, अनुमानित आंकड़ा, कन्फर्म कोई आंकड़ा नहीं, क्लियर आंकड़ा नहीं, हाँ, तो अनुमानित आंकड़ों पे ना जा करके जो फैक्ट आंकड़े हैं उन पे ध्यान दिया जाए, और फैक्ट आंकड़ा वही दे सकता है जो इसको कलेक्ट कर रहा है, कलेक्ट इस टाइम पे जो आंकड़े कर रहे हैं वो है राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो है, जी जी जी, वो रोज का इतने यात्री आ रहे हैं, इतने जा रहे हैं, जा रहे हैं, आवागमन वो पूरी जानकारी डिटेल उनके पास सारा है, ब्यौरा रहता है, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम प्रभु, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा चला, जय श्री राम, जय श्री राम, कैसा चल रहा है आपका छोला भटूरे का बिजनेस? बहुत बढ़िया छोला भटूरा बनाते हैं आप, यहाँ का अयोध्या का फेमस छोला भटूरा आप बनाते हैं, हम देखते हैं काफी सारे भक्त आपके यहाँ आते हैं और खा के जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ, आते हैं, खाते हैं, इस समय डाउन चल रहा है बारिश की वजह से, बारिश की वजह। और आप ये यहाँ कहाँ पे हैं इस समय मौके पे? मौके पे हम गोंडा घर है हमारा। हाँ, गोंडा घर है। अच्छा, आप गोंडा से आके यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं? गोंडा से। तो ये आप कहाँ पे इस समय में, ये हम कहाँ खड़े हैं? बिरला धर्मशाला। अच्छा, ये बिरला धर्मशाला के एकदम पास में खड़े हैं, राम जन्मभूमि गेट के एकदम सामने। तो यहाँ पे आपका बिजनेस चल रहा है? पहले तो काफी सारे भक्त आते थे, पहले बहुत भीड़ होती थी, इस समय डाउन हो गए हैं, ठंडा मौसम होगा तो भीड़ बढ़ेगी। हाँ, अभी तो मौसम धूप बीच में बहुत ज्यादा थी, इसलिए डाउन हो गया था, बारिश होने लगी इसलिए। तो कुछ भक्त कहते हैं कि ऐसा नहीं खरीदना चाहिए सामान, ऐसा क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो आते हैं वो खाते हैं, खा के आराम से जाते हैं, नहीं बच जाता है थोड़ा, किसी किसी दिन पूरा खत्म हो जाता है, किसी दिन बच जाता है, किसी दिन वो तो क्या? अच्छा, पहले की तुलना में पहले तो बहुत ज्यादा था, जब उद्घाटन हुआ था उससे धीरे धीरे डाउन पड़ता रहा, उद्घाटन भी तो कम पड़ जाता रहा होगा। अरे, दो तीन बार बनाना पड़ता था, एक बार बनाते हैं वही चल जाता है। हाँ, लेकिन तब भी भक्त आते हैं, आपका काम भर का पैसा निकल जाता है, भक्त आते हैं, काफी खाके निकल जाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कैसे देते हैं आप ये? 30 रुपए प्लेट। अच्छा, 30 रुपए प्लेट, दो भटूरे, छोले, अचार, सलाद। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम, जय श्री राम। गाइज, आप लोग देख रहे हैं प्रभु श्री राम जी के मंदिर प्रांगण में, जब हम लोग प्रवेश करेंगे उससे पहले हमको एसी रूम, मतलब यहाँ एसी है, पूरी व्यवस्था है, यहाँ कूलर लगाए गए, बड़े बड़े यहीं पर है,
आरती पास और दान काउंटर जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जितने काउंटर हैं उन सभी में आरती पास और इन सभी चीज़ों को बनाया जा रहा है। यहाँ पर सुबह की आरती, शाम की आरती, दोपहर की आरती, जैसे ये सभी चीज़ें बनाई जाती हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कूलर लगाए गए हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं, ताकि लोगों को आने में और लोगों के यहाँ रहने में काफ़ी आसानी हो। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, गर्मी ना महसूस हो इसके लिए ऐसी कुछ व्यवस्थाएँ यहाँ पे बनाई गई है। और सीटें काफ़ी, बहुत सी सीटें ऐसी है, बहुत ज़्यादा सीटें लगाई गई हैं जिसमें लोग बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइन लगाने के लिए रेलिंग लगाई गई है। ठीक इसी प्रकार से पूरी रेलिंग आपको मंदिर प्रांगण के अंदर भी मिलेगा। आप देख रहे हैं ना, ये जो है ये पूरा टीन सेट से बनाया गया है। यहाँ पर आपको फ्रेश रूम और पानी पीने के रूम जैसे अन्य चीज़ें भी आपको सुविधा उपलब्ध हो जाएंगी। और आप यहाँ देख रहे हैं आपको बैठने का उचित स्थान, जो कूलर चलाए जा रहे हैं बड़े बड़े हैं, और इन सभी को और बड़ी बड़ी सीटें भी लगाई गई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। और इन सभी सीटों से आप बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, और कूलर का साइज भी देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। और इधर से ही अब हम लोग धीरे से निकलेंगे प्रभु श्री राम जी के मंदिर प्रांगण के। आप देख रहे हैं पूरा कूलर सीट और जहाँ पर लोग बैठ सकते हैं इतनी सीटें यहाँ पर लगाई गई हैं। और वहाँ एक LED भी चल रही है, उस LED से लोग रामायण देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। और इसी प्रकार से ठीक मंदिर प्रांगण के अंदर भी जब आप लोग प्रभु श्री राम जी के दर्शन करके आते हैं तो आपको वहाँ पर इसी प्रकार से बैठने की सुविधा और AC सुविधाएँ आपको निःशुल्क दी जाती है। हमने अपने वीडियो में आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ पर जो AC के जैसे सुविधाएँ मिल रही हैं वो निःशुल्क। तो गाइस आप हमारे पीछे देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो बड़े बड़े कूलर लगे हैं इन सभी में मतलब पानी भरे जाते हैं, और ये ऐसे ऐसे करके करीब 7 से 8 लगाए गए हैं जो कि बहुत होते हैं। और यहाँ पर आप निःशुल्क बैठ सकते हैं, 1 रुपये किसी को कोई भी भाड़ा नहीं देना पड़ता, ना ही कोई 1 रुपये किसी को पे करना पड़ता है। तो आप लोग आइए और ऐसे ही जगहों पर बैठिए, ना कि आप फालतू में इधर उधर जाके बैठिए, पैसे दीजिए। मेरा मेन मोटिव है कि आप आराम से बैठे, AC रूम में बैठे और गर्मी भी ना लगे, किसी प्रकार से कोई दिक्कत भी ना हो, तो ऐसे ही रूम में बैठकर आप लोग अपना काम चलाएं। तो गाइज आज हमने आपको पूरे अपने वीडियो में यहाँ राम जन्मभूमि पर जो प्रवेश द्वार का दिखाया, यहाँ पर जहाँ पे आप AC रूम में निःशुल्क बैठ सकते हैं उसे भी आपको दिखाया। और उसके साथ साथ लोगों का, भाई साहब ने अभी रिएक्शन भी लिया था, कुछ एक दो दुकानदारों का जो कि भीड़ ना होने के कारण उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे यहाँ एक सरदार जी थे और छोले भटूरे वाले थे, दोनों लोगों से हमने पूछा और अच्छे से बात किया, तो काफ़ी हमें भी अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।